बायोफिलियंस किचन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ताड़ के गुड़ से तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। सामग्री: तिल 200 ग्राम, ताड़ का गुड़ 150 ग्राम, इलायची 4, संरक्षित पानी आवश्यकता अनुसार। बनाने की विधि: एक बर्तन में ताड़ के गुड़ के छोटे टुकड़े डालिए। अब इसमें 2 से 3 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। इसे लगभग 1 घंटे के लिए रख दें। अब स्टोव ऑन करके एक लोहे की कढ़ाई उसके ऊपर रखें। कढ़ाई गर्म होते ही इसमें तिल डालें और उन्हें भूनें। आप किसी भी तिल का उपयोग कर सकते हैं, काले या सफ़ेद, ये आपकी इच्छा है। इन्हें धीमी आंच पर लगातार हिलाते रहें, नहीं तो वे जल जाएंगे और इनका स्वाद कड़वा हो जाएगा। जब तिल चटकने लगे तब आंच को बंद कर दें और इन्हें चूल्हे से उतारकर एक प्लेट में ठंडा होने दें। भुने तिल को मिक्सी में हल्का सा चलाकर दरदरा कर लीजिए। अगर आप चाहें तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं। अब इसमें इलायची का पाउडर डाल देते हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाकर रख देते हैं। भिगोए हुए ताड़ के बर्तन को चूल्हे पर रखें और इसे धीमी आंच पर पिघलाएं। यह मैंने 200 ग्राम तिल के लिए 150 ग्राम ताड़ का गुड़ लिया है। हम अपने स्वाद के अनुसार गुड़ डाल सकते हैं। जब ताड़ के गुड़ को प्राकृतिक तरीके से बनाया जाता है तो इसमें रेत और अन्य अशुद्धियां हो सकती हैं, इसीलिए हमेशा ताड़ के गुड़ को पिघलाने के बाद उपयोग करने से पहले छानना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है। इस गुड़ की चाशनी को तिल के मिश्रण में डालें। डालते समय अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक स्टेनलेस स्टील की छलनी का उपयोग करें। हड्डियों को मजबूत होने के लिए कैल्शियम जरूरी है। तिल में कैल्शियम लिग्नेंस भरपूर होते हैं और माइग्रेन, कैंसर जैसी बीमारियों को दूर रखने में मदद करते हैं। इसीलिए डॉक्टर खादर जी कहते हैं कि हर इंसान को प्रति सप्ताह 1 तिल का लड्डू खाना ही चाहिए। चाशनी तिल के पाउडर के साथ अच्छी तरह से मिल गया है। इसे कुछ समय के लिए रख देते हैं ताकि मिश्रण थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए तो हमें लड्डू बनाना आसान हो जाएगा। यह मिश्रण अब ठंडा हो गया है। लड्डू बनाने से पहले इसे फिर एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। डॉक्टर खादर जी के अनुसार बढ़ते बच्चों को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और तेल की आवश्यकता होती है। इन्हें तिल, नारियल और मूंगफली जैसे तेल के बीजों से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए लड्डू और अन्य पदार्थ जिनमें ये मुख्य घटक के रूप में शामिल हैं, नियमित रूप से उन्हें बच्चों को दी जा सकती है। तिल के बहुत सारे औषधीय मूल्य हैं, इसलिए अगर इसे प्रतिदिन लिया जाए तो यह हमारे शरीर के लिए दवा का काम नहीं करेगा। अब हमारे लड्डू तैयार हैं, है ना इन्हें बनाना आसान? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।